हेलो व्यूवर्स, आज हम बना रहे हैं एग कोरमा। ये घर में बहुत ही जल्दी बनने वाला कोरमा है और खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। तो ये आप बहुत कम चीज़ों से इसको घर में फटाफट रेडी कर सकते हैं। तो चलिए फिर बनाते हैं एग कोरमा। इसके लिए मैंने गैस पे एक मोटे तले का बर्तन रख लिया है और इसमें ऐड करेंगे 3 to 4 स्पून ऑयल। इसको हल्का सा हम गर्म होने देंगे। अब इस ऑयल में हम ऐड कर रहे हैं टर्मरिक 1/2 स्पून, सॉल्ट 1/2 स्पून। अब इस ऑयल में हम एग को फ्राई कर लेंगे। एग को मैंने कट कर लिया है चारों साइड से। अब इसको इसमें अच्छे से हम शैलो फ्राई कर लेंगे ताकि एग पे अच्छा सा कलर आ जाए। पूरे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब इसको हम इस प्लेट से निकाल लेते हैं। ये सारे और एग अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसी के ऑयल में 1/2 स्पून के करीब हम जीरा ऐड करेंगे। जीरा हमारा ऑलमोस्ट हल्का लाइट ब्राउन हो चुका है। अब इसमें ऐड करें एक मीडियम साइज़ का अनियन, उसको भी हम फ्राई कर लेंगे। ये 3 to 4 अनियन इसका पेस्ट हम बना लेंगे। चॉप अनियन के अंदर हम अनियन पेस्ट ऐड करके इसको 3 to 4 मिनट अच्छे से हम इसको भून लेंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट बना लेंगे। ये हमारा अनियन पेस्ट और अनियन चॉप अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इसमें मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दी है 2 स्पून के करीब। इसको भी हम 3 मिनट अच्छे से भून लेंगे। ये मसाले हमारे अच्छे से भून चुके हैं। इसमें ऐड कर दिया मैंने 1/2 स्पून के करीब सॉल्ट। इसको भी हम 1 मिनट अच्छे से फ्राई कर लेंगे। चिली फ्लेक्स 1 स्पून, क्यूमिन पाउडर 1 स्पून। ये टमाटो पेस्ट बना लेंगे। 3 to 4 मैंने टमाटो लिए हैं। अब टमाटो पेस्ट हम ऐड कर लेंगे अपने फ्राई मसालों में। इसको भी हम 2 से 3 मिनट अच्छे से फ्राई करके ले लेंगे। ये पूरा मसाला हमारा पक चुका है। अब इसमें हम ऐड करेंगे अपना किचन किंग मसाला 2 स्पून। इसको भी हम फ्राई कर लेंगे 1 मिनट। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ गरम मसाला 1 स्पून। इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छे से इसमें। ये ऑयल हमारा सेपरेट हो चुका है। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 कटोरी क्रीम। आप इसमें घर की बनी क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। और इसमें ही मैंने 2 स्पून के करीब दूध डाल के मिक्स कर लिया है। अब ये भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इसको भी हम 2 से 3 मिनट अच्छे से भून के ले लेंगे ताकि सारे मसाले हमारे अच्छे से पूरे पक जाएं। और अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच किशमिश, 1 स्पून कसूरी मेथी और 2 कटी हरी मिर्च। इसको भी हम 2 मिनट अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब इसमें एग हम ऐड कर देंगे और इसको हम तब तक अच्छे से 2-3 मिनट इस मसाले को फ्राई करते रहेंगे ताकि सारा मसाला और एग अच्छे से मिक्स हो जाए। ये 3 मिनट के बाद हमने इसको खोल के देख लिया है। अब इसमें ऐड कर रहे हैं हम 1/2 कटोरी वार्म वाटर, जो मैंने क्रीम वाली कटोरी में ही मिक्स करके इसमें डाल दी है। और ये चेक कर लेंगे, ये हमारा कोरमा बन के रेडी है। अब इसकी हम प्लेटिंग कर लेते हैं।
तो ये हमारा एग कोरमा बन के फटाफट रेडी हो गया। सो गाइज़, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। मैं आपसे फिर मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। बाय बाय।